गुजरात में पहले चरण की 79 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। जिलों में पड़ने वाली 89 सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। उधर दूसरे चरण के मतदान के लिए भी चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में आज भी कई जिलों में दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां होनी है। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात में सुबह 11 बजे तक 18.95 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के कलोल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आए हैं। आप नेता का बड़ा आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने जानबूझकर स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। इटालिया ने ट्वीट किया, कतारगाम विधानसभा में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराया जा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर इसी तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव में काम करना है तो फिर चुनाव ही क्यों करवाते हो। पूरे देश में औसत 3.5% मतदाता हुए हैं, लेकिन कातागराम में सिर्फ 1.41 ही हो पाया है। एक छोटे से बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरोगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भावनगर जिले के हनौल गांव में वोट डालने से पहले ग्रामीणों से बातचीत। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष निमोबान आचार्य ने भुज के एक मतदान केंद्र पर पहले चरण के लिए अपना वोट डाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने बहुचर के अलकेश्वर में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार फिर से बन रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने अमरेली में अपना वोट डाला। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट करने की भी अपील की। वह प्रत्याशी रिवाजा जडेजा के ससुर और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, पार्टी के मामले परिवार से अलग होते हैं। हम लोग लंबे समय से अपनी पार्टी के साथ हैं। उन्हें रविंद्र जडेजा को मालूम है कि ये पार्टी का मामला है, परिवार का नहीं। आइए अब आपको बता देते हैं कहां कितनी वोटिंग हुई। डांग जिला में 7% वोटिंग हुई, तापी में 7.25% वोटिंग हुई, वलसाड में 5.58% वोटिंग हुई, सुरेंद्रनगर में 5.41, नवासारी में 5.33, नर्मदा में 5.30, मौरबी में 5.17, गिर सोमनाथ में 5.17, राजकोट में 5.5, कच्छ में 5.6, जूनागढ़ में 5.4, सूरत में 4.44 और जामनगर में 4.42, पोरबंदर में 3.92 वोटिंग हुई है अभी।